नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी क्लिनिकल गुरुजी .com से। ये एक छोटा सा कोर्स हमने डिवाइस किया है, ऑनलाइन कोर्स है, इन द एरा ऑफ COVID-19 हाउ टू परफॉर्म बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट वैसे AHA का यानी कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का एक कोर्स है, जिसमें कि कार्डियक अरेस्ट के विक्टिम को कैसे रिवाइव किया जाए यह सिखाया जाता है। पर जैसे COVID-19 ने बहुत सारी चीज़ें और बदल दी हैं, उसी तरह से उसने BLS करने का तरीका भी बदल दिया है। AHA ने अप्रैल 2020 में अपनी गाइडलाइंस को थोड़ा सा रिवाइज किया, उसमें कुछ चेंजेस किए और उसी के हिसाब से हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। फिर से रिपीट करूं, ये ऑफिशियल AHA का कोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग वीडियो है जो कि बेस्ड है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस पे। इसमें हम सीखेंगे कि BLS कैसे परफॉर्म करना है, स्पेशली इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी इन एरा ऑफ COVID-19। कुछ प्रमुख चेंजेस आए हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब है कि कार्डियक अरेस्ट के विक्टिम को कैसे रिवाइव किया जाए। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि जब व्यक्ति का हार्ट कंप्लीटली काम करना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दो अलग अलग चीजें होती हैं। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि जब व्यक्ति की कोरोनरी आर्टरी बंद हो जाती है और उसको उसके कारण चेस्ट पेन या एंजाइना या हार्ट की मसल के नेक्रोसिस शुरू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि जैसा आपने कभी फिल्मों में देखा हो कि ECG पे फ्लैट लाइन हो जाती है और कोई BP कोई पल्स नहीं होता, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। तो BLS कार्डियक अरेस्ट में किया जाता है, हार्ट अटैक में नहीं किया जाता। यहाँ हम BLS फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का एक वर्जन समझेंगे जो कि AHA गाइडलाइंस पर बेस्ड है।